साहब बच्ची ने भी बताओ थोड़ी अंदर थोड़ी अंदर फेमस ग्रुप बस प्रॉपर ओम प्रकाश जी है उसके पूरे समूह के साथ में जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम के इस इकट्ठे हुए हैं उसमें जो लाइब्रेरी है उसके लिए जो है आप सभी से धन्यवाद। वृक्षारोपण जो है करना वर्तमान संदर्भ में बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जहाँ वृक्ष होंगे वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, इसके अलावा जो है पर्यावरण भी शुद्ध रहता है और बादल जिस तरह से ऊपर देख रहे हैं ये बादल जहाँ पर ठंडक होती है वहाँ पर जो है बादल बरसते हैं तो पेड़ जहाँ जहाँ अधिक होंगे वहाँ पर जो है बरसात भी ज़्यादा होती है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम जो आपके द्वारा कराया जा रहा है वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है और आपका जो प्रयास सब जगह हर जगह आपका रहता है वहाँ पर भी जो है लाइब्रेरी में सरकारी कार्यालयों में भी जो है आप समर्पण भाव से कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आज पर्यावरण के लिए आप लोग सभी युवा सिवंज गए कई समय से देख रहे हैं आप अच्छा कार्य कर रहे हैं आप शहर के लिए और एक शहर में अच्छा संदेश दे रहे हैं और आपको देख के कई युवाओं में जागृति आएगी और अपना शहर हरा भरा होगा और वैसे भी सिवंज में सफाई और हरा भरा जब ऊपर से देखते हैं फोटोग्राफी में तो वास्तविक सिवंज हरा भरा लेकिन इसको और भी इसको ऊँचाइयों पर ले जाएंगे ऐसा आपका प्रयास आपका सफल प्रयास आपके प्रयास की सराहना करते हैं। एक व्यक्ति एक पौधा मिशन के संयोजक भाई श्री ओम प्रकाश जी कुमावत और उनके समस्त पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने आज रविवार के दिन सुबह 8 से या लगभग 11 बजे तक सफाई अभियान चलाया और पूरे पुस्तकालय परिसर में उगाई खरपतवार और झाड़ियां और प्लास्टिक इकट्ठा करके पूरा कचरा सभी ने मिलकर सफाई की और उसके बाद जामुन का एक वृक्ष लगाया। वृक्ष के बारे में आप सभी जानते हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है, इस धरती का श्रृंगार है वृक्ष। और चार पंक्तियां कहना चाहूँगा कि पेड़ है तो फूलों फल देगा, पेड़ है तो फूलों फल देगा, बच्चों को खुशनुमा कल देगा, अगर आबाद रहा जंगल तो शहर को पानी नल देगा। धन्यवाद।